और मुझे खुशी इस बात की कि एक नया कंसेप्ट जो लेके आए हैं उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, हम जल्दी फाइनल करने जा रहे हैं, जिसमें वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड की स्थापना प्रदेश सरकार करने जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे ही शीघ्र अप्रूवल मिल जाता है तो उसका एक नया कंसेप्ट वैदिक शिक्षा का विज्ञान के साथ योग के साथ क्या संबंध है, इसकी जानकारी हम स्कूलों के माध्यम से और कॉलेजों के माध्यम से देंगे। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और संस्कृत में भी इतना खजाना छुपा हुआ है उस साहित्य में, संस्कृत का, वेद का, योग का, कि इनको आपस में लिंक कर दिया जाए, और इसके आधार पर अगर स्कूलों में हम सब लोग प्रयास करके और एक प्रयास शुरू करें तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है न केवल उसका विकास कर पाएगी, उपयोग कर पाएगी, बल्कि रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रोजगार की संभावना है, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी है। जर्मनी का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, तो ऐसा एक 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 नया प्रयास कर रहा है जो जल्दी ही मैं अगले 4-5 मंथ में उसका हम गठन कर देंगे।